नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हम बात कर रहे हैं सतना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रामनगर की। यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिए भू अर्जन एवं पुनर्वास विभाग बाणसागर परियोजना द्वारा विगत 20 वर्ष पूर्व अस्पताल कॉलोनी का निर्माण कराया गया था, जो ठोस मरम्मत के अभाव के चलते जर्जर हालत में पहुंच गया। इस कॉलोनी में लगभग 15 फैमिली क्वार्टर है। इन्हीं आवास पर रामनगर सिविल अस्पताल में पदस्थ नर्स सहित अन्य कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कॉलोनी में बने आवास की स्थिति देखकर आप अब सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इंसान तो दूर जानवर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं क्योंकि विभाग का आदेश है कि मुख्यालय छोड़कर आप ड्यूटी पीरियड पर कहीं नहीं जा सकते। हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो बिल्डिंग की हालात डरावनी थी। डर के साए पर यहाँ लोग हर रात गुजारते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, दीवारें फट गई हैं, दीवारों पर बनी अलमारी ने दीवार छोड़ दी है, छत से मसाला निकलकर लोहे की छड़े दिखाई देने लगी हैं। आए दिन किसी भी पल छत से मोटे छज्जे की परत गिर जाती है, जिससे कई बार कर्मचारियों के बच्चे भी घायल हो चुके हैं। लिहाजा कई लोग अब घर के अंदर ही छतों की सीलिंग पर त्रिपाल लगा कर रह रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग के बारे में हमने रामनगर सिविल अस्पताल के अधिकारी BMO आलोक अवधिया से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार PWD विभाग और CMHO को लिखित रूप से जानकारी दी गई है, कई बार मौखिक सूचना भी दी गई है, पर आज तक कोई भी जवाब वापस नहीं आया है। जिम्मेदार अधिकारी बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए PWD को लिखा गया है कई बार लेटर, और एक दो बार मौखिक रूप से ही बोला गया है। CMHO सर को भी लिखा गया है लेटर कि इसके लिए PWD से काम कराएं, लेकिन अभी तक कोई हमको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि PWD वाले काम किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि देवराज नगर में भी कोई काम नहीं हुआ है अभी, और रामनगर का भी काम अभी नहीं हुआ है। केंद्र में मैं पदस्थ हूँ OA के पद पर, और मैं ग्वालियर से हूँ, करीबन 600 किलोमीटर दूरी पड़ती है यहाँ से, और इस बिल्डिंग की हालात को देख के डर बना रहता है, इसलिए मैं फैमिली को भी साथ लेकर नहीं रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। और कई बार साहब को बताएं तो बोले कि लिखित में दे चुके हैं सूचना ऊपर, लेकिन कोई मतलब सुधार कार्य नहीं करवाया गया है, और डर बना रहता है जो है हमेशा उसमें में। आज से यहाँ पे रह रहे हैं, सिविल अस्पताल रामनगर में पोस्टेज हैं, और इसकी बिल्डिंग बरसात में पूरी एक तरह से तो चूती है, पन्नी लगा के हम लोग रहते हैं। और दूसरी बात, कभी भी एक एक किलो के गिट्टी बालू के टुकड़े बेड पर गिर जाते हैं, और बच्चे भी रहते हैं, कभी उनके ऊपर लग जाती है, कई बार तो चोट लग गई है। और हो गया, सर को बताया गया कई बार कि सर इसको सुधरवाएं, तो सर बोल देते हैं कि हमने लिख के दिया है पर कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए रह रहे हैं। हितग्राहियों की परिषद आते आते चप्पलें घिस गई। हितग्राही द्वारा जब इसकी शिकायत 181 पर की गई, तब इंजीनियर देवरत्नम सोनी द्वारा कंप्लेन वापस के लिए हितग्राही के घर में विनती की गई थी। तब कहा गया कि जैसे ही CMO छुट्टी से आते हैं तत्काल आपका भुगतान करा दिया जाएगा, पर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। किंतु जब से देवरत्नम सोनी CMO बने हैं, हितग्राहियों से उनके सहयोगी द्वारा बताया जाता है अगर 13,000 लेना हो तो 4,000 से 5,000 रुपये का चढ़ावा करो, भुगतान हो जाएगा। दीपक तिवारी वार्ड नंबर 14 के अभिभावक भगवान दास से पैसों की मांग की गई, किंतु कुंती विश्वकर्मा के पुत्र राम प्रकाश विश्वकर्मा से पारस चौरसिया ऐसे कई हितग्राही हैं जिनको शौचालय का पैसा भुगतान नहीं हुआ है। अब तो बहुत से हितग्राही आज तक छोड़ चुके हैं। बताएं आपको क्या समस्या है? समस्या हमारा शौचालय का भुगतान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा शौचालय का पैसा? क्या बताएं क्यों नहीं हो रहा है भाई, हम CM हेल्पलाइन में कंप्लेन भी किए हैं, फिर इंजीनियर साहब हमारे घर भी आए हैं, चिरौरी विनती किए कि भैया हम अपने तरफ से पूरा कर दिए हैं, आप कंप्लेन वापस ले लो, जब CMO साहब आएंगे तो हम तुम्हारे खाता में पैसा आ जाएगा। तब के उसके बाद भी आपने मिले उनसे क्या? भाई मिले गए, हो गया तो सोचते हैं कि माल टाल हम कुछ दें तो हमारा भुगतान हो, तो हमारे पास है ही नहीं है, अभी तक हम लेबर मजदूरों तक का पूरा पैसा नहीं कटे हैं जो बनवाए हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं उनका। तो ये समय कितना समय बीत गया? कम से कम 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल होने लगे।
रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इंदिरा मार्केट के पास का रास्ता रेलवे प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को काफी घूम कर आना पड़ रहा है इस वजह से लोगों की कई ट्रेनें छूट चुकी है। साथ ही यहाँ रेलवे प्रशासन द्वारा पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ आने जाने वाले लोग भी सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिसके कारण लोगों को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लोगों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन को बंद पड़े रास्ते को जल्द से जल्द खोलना चाहिए, ताकि जो लोग 2-3 किलोमीटर दूर घूमकर स्टेशन पहुंच रहे हैं उन्हें शॉर्टकट रास्ते का लाभ मिल सके। जबलपुर जिला कोर्ट के अधिवक्ता अरुण दीक्षित की पीठ पर चाकू से जानलेवा वार करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हमलावरों को भुसावल में RPF ने ट्रेन से पकड़ा गया। दोनों आरोपी अंकित और अमित त्रिपाठी आधारताल के रहने वाले हैं। वहीं राजा बर्मन को भी पुलिस ने सरगर्मी से तलाश करते हुए गढ़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजा बर्मन और अधिवक्ता के बीच 12 मार्च 2016 को विवाद हुआ था। इस मामले में अधिवक्ता ने राजा बर्मन के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का प्रकरण दर्ज कराया था। इसी रंजिश को लेकर उसने अधिवक्ता के खिलाफ उक्त साजिश रची। गढ़ा पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास 3400 और 120B भादरी का प्रकरण दर्ज किया। 27 को पचमटा मंदिर के पास रहने वाले अधिवक्ता श्री अरुण दीक्षित जी पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 523/19 धारा 307, 34, 120B, 25 का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे दर्ज होने के उपरांत वकीलों ने काफ़ी इस घटना को लेकर रोष व्यक्त किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम इसमें गठित की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार CSP श्री दीपक मिश्रा साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। और उसके बाद ये आरोपी अंकित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी दोनों सगे भाई हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बॉम्बे तरफ भाग रहे हैं और इसमें अंकित त्रिपाठी जो है वो दुबई में रह रहा है और टैक्सी ड्राइवर है, वो संभवतः बॉम्बे जाएगा और बॉम्बे से उसका दुबई जाने का प्लान है। पुलिस ने तत्परतापूर्वक आरोपियों के बारे में तमाम जानकारियाँ जुटाकर आरोपियों को काशी एक्सप्रेस से भूसावल में RPF की मदद से पकड़ा और उनको यहाँ लेके आए और राजा बर्मन को भी यहीं गढ़ा में दबिश देकर पकड़ा गया। घटना की जांच करने पर ये ज्ञात हुआ है कि राजा बर्मन का पहले से इनसे अधिवक्ता श्री दीक्षित जी से विवाद था और उस बात पर थाना गढ़ा में 2017 में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जो मुकदमा भी विचाराधीन है। उस बात को लेकर राजा बर्मन का श्री अरुण दीक्षित वकील साहब से बुराई बनी हुई थी, तो राजा बर्मन ने इस षड्यंत्र को रचा और अंकित त्रिपाठी के माध्यम से वकील साहब के ऊपर श्री अरुण दीक्षित जी के ऊपर जानलेवा चाकू से हमला कराया। तो इस घटना में आरोपी राजा बर्मन, आरोपी अंकित त्रिपाठी और अमित त्रिपाठी ने आरोपी अंकित त्रिपाठी को भागने में मदद की, साथ में उसको मोटरसाइकिल में भागते ले गया और यहाँ से उसको बॉम्बे लेके जा रहा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। राजा बर्मन के ऊपर और अंकित त्रिपाठी के ऊपर अभी जाँच करने पर प्रथम दृष्टया कुछ अपराध पता लगे हैं कि पूर्व रामपुर बागलान में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बिजली ट्रांसफार्मर को DP से निकालकर अनियंत्रित ले जाने की सूचना मिली। FRV 2600 डायल की मदद से रामपुर बागलान पुलिस ने ट्रांसफार्मर और पिकअप वाहन सहित दबोचा। ट्रांसफार्मर और पिकअप वाहन को थाना रामपुर बागलान में जब्त कराया गया है। रामपुर बागलान पुलिस जांच में। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंडला जिला नैनपुर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने आवेदन देकर समस्याएं सुनाई। इस दौरान नैनपुर शहर सहित के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आए थे। नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष भी जनसुनवाई में अपना आवेदन लेकर आए। इन्होंने आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि हेतु निवेदन किया। अध्यक्ष ने बताया कि पहले भी हमने इस समस्या के कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन आज तक केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए आज भी भूमिहीन जन भटक रहे हैं। साथ ही नैनपुर युवा पत्रकार संघ ने भी आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को SDM और तहसीलदार की लापरवाही के बारे में अवगत कराया। बताया कि नैनपुर SDM रीता डेहरिया और तहसीलदार शांतिलाल विश्नोई, जो कि अपने कार्यक्षेत्र में निवास
नहीं करते। ये रोज़ाना अपने सरकारी वाहनों और सरकारी डीजल से अपने निज निवास मंडला से आना जाना करते हैं, जो कि गलत है और सरकारी वाहनों का दुरुपयोग है। इसी तरह अन्य आवेदकों ने भी अपनी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिए हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया, SDM रीता डेहरिया, तहसीलदार शांतिलाल विश्नोई सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी जू मुकुंदपुर में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने वन्य जीवों के चित्रण और वन्य प्राणी संरक्षण में जागरूकता बढ़ाने हेतु रैली में संभागीय कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कार्यक्रम में पहुंचकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने इस अवसर पर परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। डॉक्टर भार्गव ने बच्चों को वन्य जीवों का महत्व समझाते हुए कहा कि वनों को विनाश से बचाने, बाघों की प्रजाति विलुप्त न हो और उनकी तादाद बढ़ाने और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ पराक्रम का प्रतीक है। यदि जंगल में पशु पक्षी नहीं होंगे तो वन अधूरे हैं। मानव का अस्तित्व भी पर्यावरण और वन्य जीवों पर निर्भर करता है। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से जीवों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सन 2010 में रूस में शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में सबसे अधिक बाघ हमारे प्रदेश में है। उन्होंने बच्चों के से बाघों की सुरक्षा और वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मानवीय अस्तित्व पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति से जितना हम ले रहे हैं उससे हजार गुना प्रकृति को लौटाना भी चाहिए। हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए, पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये संस्कार हमारी धरोहर हमारे बुजुर्गों से मिलती है, जिन्हें हमेशा कायम रखना चाहिए। प्रतियोगिता में हरिबाल गृह रीवा और गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक अतुल खेरा, वन संरक्षक और पदेन वन मंडलाधिकारी सतना राजीव मिश्रा, संचालक व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर संजय राय खेड़े, कंसल्टेंट मुकेश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।